नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक जो शेयर मार्केट्स हैं, उस शेयर मार्केट्स में कितना उतार चढ़ाव रहने वाला है। शेयर मार्केट में जो अप्रैल के महीने होते हैं वो फाइनेंस के महीने होते हैं। इस महीने में जो लोग निवेश करते हैं, जो उसको प्रॉफिट को बुक करते हैं, दोनों की स्थिति एक जैसी बनी होती है। आप जब किसी शेयर मार्केट्स को पढ़ते हैं और समझते हैं तो आपके जीवन में वो कितना लाभ देने वाला है, कितना हानि पहुंचाने वाला है, उस पर आप विचार करते हैं। जब आपने पिछले सारे सत्र का विचार किया और उसमें देखा जो हमने पिछले साल शेयर मार्केट में कितना कमाई की और अप्रैल महीने से पूरे अप्रैल के महीने में क्या स्थिति रहने वाला, उसमें क्या निवेश करें और कैसे निवेश करें जो अच्छा से अच्छा लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट की स्थिति पिछले महीने में बहुत अच्छी नहीं रही है और इस महीने के भी 15 तारीख तक बहुत अच्छी रहने वाली नहीं है। ऐसे परिस्थिति में शेयर मार्केट में ऐसा क्या हो गया जो बहुत ही तेजी से मार्केट में अंदर खाते गिरावट आ रही है, जिसमें जो स्मॉल छोटे शेयर हैं लगातार अपने आप को 35% लेके 55% तक डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। आइए हम शेयर मार्केट में चर्चा करें जो किस टाइम क्या निवेश करने की जरूरत है। सबसे पहले अप्रैल के महीने में जो शेयर मार्केट से, उस शेयर मार्केट में हम अमेरिका यूरोप में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं वहां की जो मार्केट से, उस मार्केट में भयंकर मंदा। उस मंदी के दौर में वहां पे जो निवेश करने वाले लोग हैं उनको लगातार घाटा हो रहा है। ऐसे परिस्थिति में वहां का निवेशक एशिया महादेश में सबसे पावरफुल देश जो इंडिया है उसमें निवेश करने की रुझान बनाए बैठे हैं। ऐसे परिस्थिति में जो शेयर मार्केट्स हैं, शेयर मार्केट में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आप देखें शेयर मार्केट की जो गति है बहुत तीव्र रहने वाली है। उसका दो प्रमुख कारण है, क्योंकि अमेरिका में 18-28% मंदी की दौर चल रही है, यूरोप में 12-22% मंदी की दौर चल रही है, एशिया के कई देशों में 7-12% मंदी की दौर चल रही है। ऐसे स्थिति में इंडिया ऐसे देश हैं यहाँ पे मात्र 1-3% मंदी की दौर है। ऐसे में जहाँ पे प्रॉफिट होने की चांस 99% है तो लोगों को रुझान उधर बढ़ना शुरू हो जाता है। सबसे सेफ गेम उनको शेयर मार्केट दिखाई देती है। ऐसे परिस्थिति में जो इंडिया का जो मार्केट है शेयर का, उसमें बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो अप्रैल के महीने में देखने की जरूरत है जो निफ्टी 50 या सेंसेक्स दोनों में बहुत ज्यादा गिरावट आने वाली नहीं है, मगर जो छोटे निवेश है, स्मॉल कंपनियां हैं, उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। क्योंकि मार्केट की स्थिति देखा जाए तो हो सकता है अप्रैल के महीने में 68,000 रुपये सेंसेक्स आ सकती है और ऊपर 72,000-73,000 के बीच से नीचे आकर 68,000 पे आ जाएगी। इसी तरह से निफ्टी 50 को देखें तो 22,700 से गिर करके सीधा आ जाएगी 21,300 पे आकर टिकेगी। ऐसे परिस्थिति में जो मार्केट है उसमें उथल पुथल बना रहेगा, तो जो लोग निवेश करते हैं शेयर मार्केट्स में उनको मात्र महीने में 20 दिन मिलता है। इस 20 दिन में 120 घंटे काम करने को मिलता है। उसमें आपको निवेश करने के लिए जो विदेशी मार्केट के, जो विदेश के जो लोग निवेश करते हैं उसके लिए सेंसेक्स के जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही लाभकारी है। उसमें बड़ी सारी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाती है। जो इंडियन के लोग हैं, जो इंडिया में निवेश करने वाले हैं, उनको निफ्टी 50 पे 90% विश्वास है। ऐसे परिस्थिति में निफ्टी 50 में आपको निवेश करने की जरूरत है। आप सोच रहे होंगे जो ये जो मार्केट है उसमें ऐसे उतार चढ़ाव क्यों? क्योंकि इस मार्केट का नेतृत्व करता है, एक तरफ जो बढ़ती हुई मार्केट का नेतृत्व करता है बृहस्पति, शनि और चंद्रमा।
घटती हुई माकर को नृत्य करता है शुक्र, सूर्य और बुध। ऐसे परिस्थिति में दोनों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा होता है। तो लगातार यदि देखा जाए तो सूर्य इस टाइम कमजोर परिस्थिति में थी, इसलिए मार्केट गिर गई। आने वाले समय में 15 तारीख के बाद उच्च का सूर्य जब होगा अप्रैल के बाद, तो इसमें प्रगति आने की शुरू हो जाएगी, तेजी आना शुरू हो जाएगा, कि सूर्य का दोष घटने की स्थिति खत्म हो जाती है और न्यूट्रल हो जाता है, तो शनि अपने आप में प्रगतिशील हो जाती है। आप रही बात तो निफ्टी फिफ्टी में जो कंपनियां हैं उसमें किसमें आपको निवेश करने की जरूरत है, तो छोटी छोटी कंपनियों में 15 अप्रैल तक ध्यान से निवेश करने की जरूरत है। इस टाइम आप उसको वेट एंड वॉच पे रखनी चाहिए, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें भी वेट एंड वॉच की जरूरत है। यदि आप लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं, ये आपके लिए अच्छा समय है। यदि आप व्यापारिक दृष्टिकोण से, यदि आप देखिए बैंकिंग के जो जितने भी बैंक हैं, गवर्नमेंट्स का हो या प्राइवेट्स हो या फाइनेंस कंपनियां हो, उसमें अभी 7-12% 15 अप्रैल तक गिरावट रहेगी, उसके बाद 4% उछाल आएगा, तो उसी हिसाब से आपको निवेश करने की जरूरत है। दूसरी तरफ आईटी क्षेत्र की कंपनियां या पावर प्रोजेक्ट की कंपनियां, या आपको दूसरी तरफ देखा जाए तो आपका ये दोनों कंपनियां जो हैं अपने आप में इस टाइम 7% नीचे की तरफ आ रहा है, और 15 अप्रैल के बाद 5% ऊपर की तरफ जा रहा है। आप यदि देखा जाए तो केमिकल के मार्केट्स, एलॉय यानी सोना चांदी कॉपर लोहा के मार्केट्स में जो इसमें बढ़ोतरी दिख रही है, 7% बढ़ोतरी होगा, घटने की जो मात्रा है वो खत्म हो चुका है, इसलिए भरने की स्थिति में है, इसमें निवेश करने से ज्यादा लाभ दिखाई देगा। आपको देखना है जो एनर्जी सेक्टर्स में सबसे ज्यादा लाभ दिखाई देगा, आप टेलीकॉम सेक्टर्स में भी अच्छा खासा लाभ दिखाई देगा। आप यदि देखा जाए तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में भी अच्छा निवेश करने से अच्छा खासा लाभ दिखाई देगा। आपको नहीं निवेश करना है तो प्रॉपर्टी संबंधी कंपनियों में निवेश करने से आपको बचनी चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी जो है उसमें निवेश करने से बचनी चाहिए। आपको दूसरी तरफ देखा गया है जो आपको टूरिज्म मार्केट्स में जरूर निवेश, टूरिज्म संबंधी कंपनियों में जरूर निवेश करना चाहिए। दूसरी जो आपका कपड़ा का क्षेत्र, कपड़ा की कंपनियां है, टेक्सटाइल्स कंपनियां, उसमें निवेश करने से अच्छा खासा आपको लाभ दिखाई देगा, 7-12% लाभ मिलेगा। आपको इस तरह से मार्केट्स में निवेश करने की जरूरत होती है जहां पे आप निवेश करके अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। आपको सोचने की जरूरत है जो और यदि मेडिसिन के मार्केट, मेडिसिन संबंधी जो कंपनी है उसमें निवेश करने से अच्छा खासा लाभ हो सकता है। आपके कॉस्मेटिक संबंधी कंपनियों में निवेश करने से भी अच्छा खासा लाभ हो सकता है, उसमें भी 7-12% भरने की चांस बरकरार है। आप ऐसे परिस्थिति में जो नए आईपीओ आता है उसमें 15 अप्रैल तक ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा लाभ नहीं दिखा रहा है। और जो यदि आप म्यूचुअल फंड की कंपनी में निवेश करना चाहते हैं उसमें भी थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। आप वर्तमान समय में शेयर मार्केट्स में अफरा तफरी मची हुई है, ओनली 2% पर लोगों को 200% अफरा तफरी का मन में कल्पना आ चुकी है, वो मात्र भ्रम की स्थिति है। ऐसे परिस्थिति में 7-12 दिन आप मार्केट को आपको पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, उस पर ध्यान लगाना चाहिए, उसके बाद फटाफट निवेश करने के 3-4 राउंड में निवेश करने की जरूरत है। आप करते हैं 7-12% यदि प्रॉफिट हो जाता है तो प्रॉफिट बुक करके आपको बाहर निकल जाना चाहिए। ऐसे यदि आप करते हैं तो शेयर मार्केट में प्रॉफिट अच्छा खासा कमा सकते हैं। इस शेयर मार्केट का जो नियम है या शेयर मार्केट का जो चाल है, शेयर मार्केट का जो नेचर है, सभी चंद्रमा से संबंधित है, राहु से संबंधित है। आपको अपने आप पे विश्वास पैदा करने की जरूरत है। सुबह जब आप बैठते हैं तो अच्छे सोच के साथ आप बैठिए, अपने ईश्वर को अभिवादन करिए, अपने मन को स्थिर करिए, अपने निवेश को कंट्रोल करके रखिए, तो आराम से आप प्रॉफिट की तरफ जा सकते हैं। आप जब बैठते हैं शेयर मार्केट अप्रैल के महीने में तो ईस्ट फेस में बैठनी चाहिए, क्योंकि सूर्य उच्च का उसका लाभ पूरा मिल सकता है। आप जब किसी वस्तु को कंट्रोल करके उसमें प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो साउथ फेस में बैठिए, जो आपके मन में जो विचार आया प्रॉफिट का,
तो ठीक है या घटने वाला बढ़ने वाला सब कुछ आपको संकेतिक तौर पे दिखाई देगा। ऐसे दिखने पे आपको बेनिफिट अच्छा खासा मिल सकता है। ऐसे यदि आप शेयर मार्केट में विचार रखते हैं और छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखते हैं तो अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।